नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा आपका योगदान हमेशा याद रहेगा। अरुण जेटली को याद करते हुए बोले अमित शाह, उनके जैसा भारतीय राजनीति में कोई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति, पंच मारने की दी धमकी। गुंजन सक्सेना की बायोपिक पर नहीं थम रहा विवाद, रिटायर्ड विंग कमांडर ने उठाए सवाल। गोरखपुर में आपसी रंजिश में 2 लोगों की मौत, मुख्य अभियुक्त सहित 8 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए किया राहुल गांधी का नाम का समर्थन। चीन विवाद पर बोले सीडीएस रावत, अगर वार्ता फेल हुई तो सैन्य विकल्प है तैयार। जिन्हें हिंदी नहीं आती वे जा सकते हैं आयुष विभाग के सचिव पर, कुमार विश्वास ने उठाए सवाल। राष्ट्रीय बाल आयोग का दावा, देश में लॉकडाउन के कारण बच्चों के खिलाफ अपराध घटे। बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, 29 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल। रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से वसूला 561 करोड़ जुर्माना, राजस्व को 38% का फायदा। कुलपति प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि टैगोर भी विश्व भारती की स्थापना के लिए बाहर से ही आए थे बोलपुर। तमिलनाडु में रहा पूर्ण लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों से वसूला गया 21.26 करोड़ जुर्माना। रेलवे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत होगा प्राथमिकता। नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल के अंदर ढांचागत निर्माण में अमेरिका और ब्रिटेन की कतार में होगा देश। केंद्र ने राज्यों को दिए सभी पात्र दिव्यांगों को खाद्य कानून में शामिल करने के निर्देश। चैंपियंस लीग फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने जीता 6वीं बार खिताब, पीएसजी को 1-0 से हराया। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने से उत्साहित है दुती, टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए बेताब। भारतीय बैडमिंटन संघ ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। सोफिया ने जीता महिला ब्रिटिश ओपन खिताब, ऐसा करने वाली बनी जर्मनी की पहली महिला गोल्फर। लिंगास के बने वेल्स ओपन गोल्फ के चैंपियन, जीता यूरोपीय टूर का पहला खिताब। पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने की ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। कोमा में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, बहन संभाल सकती है पद। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने बिना पूछे बेच डाला इंडोनेशिया का दूतावास, अदालत में पहुंचा मामला।